भगवान तो अपना बनाने के लिए तत्पर है, सिर्फ मनाने वाला चाहिए भगवान को, सिर्फ बुलाने वाला चाहिए भगवान को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इसी कलिकाल में अगर कोई श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, अनन्य विश्वास के साथ अगर भगवान को बुलाता है तो मात्र 3 दिन के भीतर श्री ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। लेकिन हमारी कमी ये है कि हम चाहते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर के आए तब हम पहचानेंगे, भगवान बांसुरी लिए आए तब हम पहचानेंगे। हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करिए। क्यों? नामदेव जी को महाराज कुत्ते में दर्शन हो गए। नामदेव जी जब भोजन करने बैठे ना तो रोटी लेकर के बैठे हुए थे, अचानक से कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया, और जैसे रोटी लेके भगा नामदेव जी पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ गए। महाराज सूखी सूखी रोटी न खाओ, जरा घी चुपड़ लो, घी लगा लोगे तो अच्छे से रोटी जाएगी। अब बताओ, कुत्ते में भगवान दिख गए। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी ये पूरी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। आप अपनी दृष्टि बदलिए, पूरी सृष्टि बदली बदली दिखाई पड़ेगी। सब दृष्टि का नजरिया है। आपकी दृष्टि में अगर दोष देखने की आदत बनी है तो संसार में कोई अच्छा दिखेगा ही नहीं, और अगर आपकी दृष्टि सब में अच्छाई देखना चाहती है तो किसी जीव के भीतर कोई बुराई दिखेगी ही नहीं। इसलिए अपनी दृष्टि बदलो। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, किस गुना है या गुना है नहीं का छुपे निकला है वही है साकार। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। जिस रूप में भक्त बुलाता है भगवान चले आते हैं।